हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे डील करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज के सराउंडिंग, जैसे सपोज दैट कि यहाँ पर एक पॉजिटिव क्यू चार्ज रखा है, इसकी चार्ज क्यू की सराउंडिंग वह एक ऐसा एरिया होता है जिसमें किसी अनदर चार्ज पार्टिकल, जैसे इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या कोई भी अनदर चार्ज पार्टिकल अगर इस एरिया के अंदर लाते हैं तो उस टेस्ट चार्ज पर ये सोर्स चार्ज एक फोर्स एक्सर्ट करता है। ऐसे एरिया को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, क्योंकि फील्ड का मतलब क्या होता है, एरिया होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि चार्ज का वह एरिया जिसमें किसी अनदर चार्ज पार्टिकल के लाने से उस पर अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स क्रिएट हो, ऐसे एरिया को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। यहाँ बात है फोर्स, यानी कि फोर्स लगना है। तो एक अगर हम बात करें कूलाम्स लॉ के, कि कूलाम्स लॉ से, तो कूलाम्स लॉ के अकॉर्डिंग दिस फोर्स इज इक्वल टू 1/4πε0 q naught अपान आर स्क्वायर, जहाँ पर क्यू नॉट वो टेस्ट चार्ज है जिसे हमें उस फील्ड में के अंदर लाना है। अब ये इतना फोर्स हो गया, तो यहाँ से बहुत सिंपल सी बात है कि अगर क्यू नॉट चार्ज पर एफ फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, सिंस देयर फॉर 1 कूलम चार्ज पर कितना फोर्स एक्सर्ट होगा, एफ अपान क्यू नॉट, क्योंकि डेफिनेशन ही है इलेक्ट्रिक फील्ड इट मे बी डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट चार्ज, यानी कि 1 कूलम चार्ज पर जितना भी फोर्स एक्सर्ट होता है उसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला निकला वह है एफ अपान क्यू नॉट। यूनिट की बात कर लें तो फोर्स का न्यूटन और कूलम, तो न्यूटन पर कूलम, यह है इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट। दूसरी चीज, अगर हम इसी फोर्स के फार्मूले को F को इसकी वैल्यू इसमें सब्सटीट्यूट कर दें तो E इज इक्वल टू 1/4πε0 q naught/r² क्यू नॉट टू क्यू नॉट कैंसिल आउट, देन 1/4πε0 q/r², ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूले में क्यू नॉट नहीं है, इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड उस टेस्ट चार्ज पे नहीं डिपेंड करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड करता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोर्स चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट है। जब इस कांस्टेंट है तो ये दोनों वेरिएबल हैं, तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू एंड ई इज डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ से ये इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक स्टेटमेंट रहा और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में और क्या क्या चीज़ें देखा जा सकता है। जैसे कि एक टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल जैसा कि नाम से ही कन्फर्म है, ये हो गया इलेक्ट्रिक चार्ज, डाई मीन्स दो पोल। अगर दो इलेक्ट्रिक चार्ज जो कि दो पोल बना रहे हैं एक साथ कंबाइंड है तो उसे हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलेंगे। इसका डेफिनेशन होता है कि व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, दिस सिस्टम इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। सपोज दैट दिस इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल तभी होगा जब इन दोनों पर इक्वल और अपोजिट चार्ज होगा, यानी कि यहाँ पर अगर प्लस है तो यहाँ पर माइनस क्यू होगा, अगर यहाँ पर क्यू वन चार्ज है, यहाँ पर क्यू टू चार्ज है, यहाँ पर प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज है, या दोनों सेम चार्ज हैं तो हम उसे इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं बोलेंगे, और इनके बीच का डिस्टेंस स्मॉल डिस्टेंस 2a है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ए सिस्टम विच टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाई अ स्मॉल डिस्टेंस। नाउ इलेक्ट्रिक डाइपोल के बाद हम इसी में एक चीज़ पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, फर्स्टली इट इज सिंबलाइज बाय वेक्टर p एंड दिस क्वांटिटी विच इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एनी वन चार्ज, दोनों में से कोई भी एक हम चार्ज ले लेंगे यानी कि q, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम 2a, 2qa
इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। सिंपल सी बात है कि अगर हमारा ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, यहाँ पर प्लस 5 कूलम माइनस 5 कूलम का चार्ज रखा गया है और ये 5 सेंटीमीटर या मीटर डिस्टेंस पर रखा गया है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा वो कोई भी एक चार्ज 5 इंटू इनके बीच का डिस्टेंस 5 × 10⁻², बिकॉज सेंटीमीटर में था, तो 25 × 10⁻², यानी कि 0.25 यूनिट। तो यूनिट इसका क्या होगा, सिंपल सा, चार्ज का कूलम और डिस्टेंस का मीटर, कूलम मीटर। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है। अगला है इलेक्ट्रिक डाइपोल फील्ड। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल फील्ड जो कि हम यहाँ बात करेंगे, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल फील्ड, जैसा कि मैंने देखा कि अगर कोई एक चार्ज है तो उस चार्ज के सराउंडिंग एक सर्टेन एरिया बनता है जिसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। सिमिलरली अगर दो चार्ज हूँ, सपोज दैट एक चार्ज ये है और एक चार्ज ये है, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है, तो ये भी तो एक फोर्स एक्सर्ट करेगा, ये भी एक एरिया बनाएगा, जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड में होता है। तो ये इस तरीके से पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइनें रिलीज होंगी और नेगेटिव में ये सारी लाइनें एंटर करेंगी, तो इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वजह से एक ऐसा एरिया क्रिएट होता है जिसमें किसी अनदर चार्ज पार्टिकल के इंटर कराने से या लीव कराने से उस पर एक फोर्स एक्सर्ट होता है। ये फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स या रिपल्सिव फोर्स कुछ भी हो सकता है। तो इस ऐसे एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल फील्ड इट मे बी डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्टेड बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल। ऐसा फील्ड जो इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से बनता है उसे हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल फील्ड बोलते हैं। दूसरी चीज़, अब हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो एक फील्ड बना रहा है, जब इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर एक फील्ड बनाएगा तो उस फील्ड की वजह से कि कहाँ पर कितना फील्ड होगा, तो इसके दो कंडीशन है, एक होता है एक्जियल यानी कि उसके अलोंग उसी एक्सिस पर, और दूसरा होगा उसके इक्विटोरियल पॉइंट पर। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्जियल पॉइंट पर। सपोज दैट ये हमारा एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिस पर चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू है, इससे आर डिस्टेंस पर एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रखा गया है जो कि उस डाइपोल से उसका डिस्टेंस आर है। इस टेस्ट चार्ज एक पॉइंट पी पर रखा गया है, ये ओ है, डाइपोल की जो लेंथ है 2a है, यानी कि ये डिस्टेंस a और ये भी डिस्टेंस a। अब इस पी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल की वजह से पता करना है। तो डाइपोल में दो चार्ज हैं तो फील्ड भी दो बनेगा, तो एक फील्ड अगर सपोज दैट इस डायरेक्शन बनता है तो एक अपोजिट डायरेक्शन बनेगा, क्योंकि दोनों पर चार्ज अपोजिट है तो फील्ड भी अपोजिट बनेगा। सपोज दैट यहाँ पर फील्ड बनता है ई माइनस क्यू और यहाँ पर फील्ड बनता है ई प्लस क्यू। तो हम एक एक फील्ड की बात करेंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट पॉइंट पी पॉइंट पर प्लस क्यू चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, तो ये होगा ई प्लस क्यू विच इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1/4πε0 सोर्स चार्ज यानी कि प्लस क्यू बाई आर स्क्वायर। आर इज व्हाट, आर इज अ मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन सोर्स चार्ज एंड टेस्ट चार्ज। नाउ सोर्स चार्ज इज हियर एंड टेस्ट चार्ज इज हियर, नाउ डिस्टेंस बिटवीन बोथ आर प्लस ए, सो टोटल डिस्टेंस इज आर प्लस ए इन स्क्वायर। तो दैट इज इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, यानी कि अब इस डाइपोल चार्ज की वजह से जो कहाँ पर, उसी पॉइंट पर एट पॉइंट पी पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। तो सिमिलरली ई माइनस क्यू दैट इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू माइनस क्यू अपान डिस्टेंस बिटवीन देम। नाउ दिस डिस्टेंस इज आर, दिस डिस्टेंस इज ए, सो दिस रिमेनिंग डिस्टेंस इज आर माइनस ए, दैट इज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। सो आर माइनस ए स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन नंबर टू। द
when two electric field work at same point, then net electric field, then net electric field is equal to sum of all, अगर दोनों लीनियर में है तो डायरेक्टली हम उनको ऐड कर सकते हैं, देन ई प्लस क्यू प्लस ई माइनस क्यू. नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ ई क्यू एंड ई माइनस क्यू इन दैट एक्सप्रेशन, सो 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर प्लस ए स्क्वायर माइनस माइनस क्यू, ये तो प्लस ही रहेगा, इसकी वजह से मैं एक बार से लिख देता हूँ, 1/4πε0 इंटू माइनस क्यू अपान आर माइनस ए का स्क्वायर. यहाँ से क्यू अपान 4πε0 इंटू कॉमन 1/r प्लस ए का स्क्वायर माइनस 1/r माइनस ए का स्क्वायर. यहाँ से हम एलसीएम ले लेंगे तो q अपान 4πε0 नाउ r माइनस ए का स्क्वायर माइनस r प्लस ए का स्क्वायर होल अपान r प्लस ए का स्क्वायर इंटू r माइनस ए का स्क्वायर. नाउ q अपान 4πε0 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ar, सिमिलरली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सिमिलरली उसी तरह से एक्सप्लेन कर देंगे इसको भी. यहाँ पर r प्लस ए आर प्लस ए टू टाइम, बिकॉज स्क्वायर है, r माइनस ए इंटू आर माइनस ए टू टाइम. नाउ ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि इन दोनों अल्टरनेट ब्रैकेट को अगर हम एक साथ कंसीडर करें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा क्यू अपान 4πε0 इंटू आर स्क्वायर इज कैंसल आउट टू आर स्क्वायर, ए स्क्वायर कैंसल आउट टू ए स्क्वायर, माइनस 2ar माइनस 2ar माइनस 4ar अपान आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इन दोनों को एक साथ लेंगे तो फिर इन दोनों को भी अगर एक साथ लेंगे तो यही चीज़ आएगा, यानी कि दो बार यही चीज़ हो जाएगा, तो स्क्वायर. नाउ क्यू अपान 4πε0 इंटू टू 4ar को अगर हम इस तरीके से लिखें कि 2a को एक साथ और 2r को एक साथ, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2a इंटू 2r अपान आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, माइनस को बाहर कर लेते हैं. यहाँ पर q इंटू 2a यानी कि माइनस 1/4πε0 इंटू 2qa अपान आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू 2r. 2qa क्या है, अभी मैं बताया हूँ, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, यानी कि p है, p इक्वल टू 2qa, इसको हम p से रिप्लेस कर सकते हैं, फिर ये कैसे होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस 1/4πε0 इंटू 2pr, 2pr, 2r पहले से था, r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर. नाउ जैसा कि हम लोग फिगर में देख रहे हैं कि a इज स्मॉलर देन r, ए जो है डाइपोल, हाफ लेंथ ऑफ डाइपोल, ये आर से छोटा है, तो जब हम इसको स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर इज मच मच लेस देन आर स्क्वायर, सो ए स्क्वायर विल निगलेक्ट, हम इसको निगलेक्ट कर देंगे, जब हम इसको निगलेक्ट कर देंगे तो ई इज इक्वल टू माइनस 1/4πε0 इंटू 2pr अपान r के पावर 4, बिकॉज यहाँ पर ऑलरेडी
टू था, टू बाहर था, ये तो जीरो हो गया ए स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा, कैंसिल कर देंगे एक आर से एक आर, तो यहाँ थ्री हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू टू पी अपान आर क्यू। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ एक्जियल पॉइंट निकला। यहाँ पर माइनस है, इसका मतलब कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो अपोजिट है, जिससे हम जैसे हम रिजल्टेंट कंसीडर करेंगे। दूसरी चीज़ कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी, यानी कि जिसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा। दूसरी चीज़ कि दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू, जितना ज़्यादा हम डायपोल से दूर जाएंगे उस पॉइंट पर एक जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ही कम होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकला हमारा एक्जियल इक्वेटोरियल एक्जियल पॉइंट पर। अब अगला है इक्वेटोरियल पॉइंट पे, हम उसे अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।